प्रदेश सहित पन्ना जिले में इस माह भारी और मूसलाधार बारिश देखने को मिली है और इस भारी बारिश की वजह से अमानगंज तहसील क्षेत्र में जहां नदी नाले उफान पर दिखे, वहीं दूसरी ओर खेतों में खड़ी किसानों की फसलें भी अतिवृष्टि के चलते नष्ट हो गई, जिससे किसान खास चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल अत्यधिक बारिश होने से खेतों में पानी का भराव हो गया और जिससे बोरवेल अपने आप ऊपर को पानी फेंक रहे हैं, जिससे दलहन और तिलहन के पौधे गलकर खराब हो गए। साथ ही किसान ने बताया कि लगातार हुई बारिश की वजह से सभी फसल लगभग नष्ट हो चुकी है, जिससे फसल नष्ट होने से अगली रबी की खेती करने के लिए किसानों को आर्थिक संकट घेरा हुआ है। किसान के पास जो लागत थी उसने इसी फसल में पूरी लगा दी थी, जिस पर बारिश ने पानी फेर दिया और किसानों की टेंशन बढ़ा दी। किसानों की प्रशासन से मांग है कि किसानों की खराब पड़ी फसल का जिला प्रशासन सर्वे करवा कर खराब फसल का उचित मुआवजा दिलवाया जाए, जिससे किसानों को कुछ राहत मिले। वर्षा विशेष होने के कारण खेती नष्ट हो गई। अच्छा। मूंग उड़दा तिली। अच्छा। तो वर्षा अधिक होने के कारण इसमें बाढ़ चढ़ी रही। अच्छा। तो उड़दा नष्ट है। अच्छा। लो पानी खलिया गो बूढ़ो रहो पूरो। अच्छा। मकान तरे लो पूरे में पानी। शासन से ये मांग है कि कर्जा काट करके जा फसल हमने बोई। अच्छा। है अच्छा। अब इसमें कुछ नहीं मिलने। अच्छा। तो अब शासन मान लो कुछ हमें इसको देना देवे, नहीं तो अगली फसल भी आ रही उसमें फिर कर्जा काटने पड़े। अच्छा। उसके बारे में यही कहेंगे कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण फसल तो पूरी तरह नष्ट हो गई। अच्छा। और जैसे उड़दा है, सोयाबीन है और तिले है और ये मूंग वगैरह है, ये तो पूरी तरह नष्ट हो गई। वो तो सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, देख रहा है कि आप खेत में जब कुछ न होने के कारण जानवरों से चरा रहे हैं, हलो बहुत दिक्कत है, फसल तो पूरी खत्म ही हो चुकी है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि बस फसल तो नष्ट हो ही गई, अब कर्ज मोड़ पे चढ़ गया है, अब और क्या कहेंगे इसमें, तो अब कर्ज ही है कि कर्जा कहाँ से देंगे, बस इसी चिंता में दिन रात रहता है किसान, और क्या करें। उसी में सोच रहा है कि क्या करेंगे आगे, क्या कैसे चुकाएंगे हम जब पूरी तरह फसल नष्ट हो। शासन से यही मांगे हमारी क्या हमारा सहयोग करे शासन, और अपने कृषि प्रधान देश तो है ये, और खेती पूरी तरह नष्ट हो, हर तरह का जिस प्रकार कर्मचारियों का वित्तीय मान बढ़ाया जाता है तो उनको तो बढ़ता रहता है, उनका तो परमानेंट है, लेकिन किसानों का क्या, किसानों का तो गया, किसानों तो जीरो पर पहुंच गए। तो शासन से निवेदन है, किसानों की फसल नष्ट हुई है तो शासन से निवेदन है कि हमारा सहयोग करें और हमको उसका कर्मचारियों द्वारा सर्वे करवा के और दिखवा दें, हकीकत सामने आ जाएगी, और हमको सहयोग करें और हम मुआवजा दें। हाँ हाँ, बस यही मांग है कि शासन सर्वे करवाए और देख ले तो हकीकत समझ में आ जाए और मुआवजा दे किसानों को, तो किसान जिंदा रहेगा, और नहीं तो किसान अंगड़ी तो फसल वैसे ही नहीं खेती कर पाएगा, अंगड़ी खेती के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से देगा पैसा वो। पन्ना से रामनरेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट।